नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के रीजनिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज के रीजनिंग सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं कैलेंडर बेस्ड दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स कि उनके क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, याद है, सो आप विद इन सेकेंड्स उसका आंसर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपके लिए टाइम टेकिंग भी होगा और गलत भी हो सकता है। एग्ज़ाम्स जो है वो मल्टीपल डेज और मल्टीपल शिफ्ट्स में है, किसी भी शिफ्ट में, किसी भी डे में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो शिफ्ट या वो डे आपका भी हो सकता है। सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। कैलेंडर का पार्ट वन ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, इसी वीडियो के ऊपर आई बटन में यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखते हैं आज के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट वन इज हाउ टू फाइंड वीक डे फ्रॉम एनी डेट, यानी कि हमें एक डेट या एक तारीख गिवन होगी और उसी को देखकर हमें बताना है कि इस तारीख को कौन सा वीकडे होगा, यानी कि हफ्ते का कौन सा दिन उस दिन होने वाला है जो एक पर्टिकुलर डेट हमें दी गई है। ओके, समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ में आपको कुछ कोड याद करने होंगे और वो कोड्स कैसे हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आपके लिए याद करना भी बहुत ही इजी होगा। देखिएगा, सबसे पहले हमारे सामने कोड आते हैं मंथ कोड। आपको पता है कि हमारे पास मंथ जो होते हैं वो 12 मंथ्स होते हैं विद इन अ ईयर, जनवरी टू दिसंबर, सभी को मालूम है, बहुत बेसिक चीज है, आपके सामने लिखे भी हुए हैं। ओके, इनके जो कोड्स हैं वो मैंने इनके सामने नीचे मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं जो कोड्स हैं वो आपके सामने अवेलेबल हैं। 1440250306146। अब बात आती है कि इनको याद रखा जाए तो किस तरह से रखा जाए। आपने बहुत सी वीडियो शायद YouTube पर इससे पहले भी इस टॉपिक से रिलेटेड देखी होंगी, लेकिन फ्रेंड्स जो हमारे कोड हैं वो उन वीडियोस से बहुत ही अलग हैं और याद करने में बहुत ही ज़्यादा इजी। अगर आपको देखने से लग रहा है कि ये इजी नहीं होगा, सो मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए वो चीज़ इजी बना दी जाएगी। हम क्या करते हैं, ये कोड्स हैं 1 जनवरी के लिए, 4 फरवरी के लिए, 4 मार्च के लिए, 0 अप्रैल के लिए, 2 मई के लिए, 5 जून, 0 जुलाई, 3 अगस्त, 6 सितंबर, 1 4 अक्टूबर, 4 नवंबर एंड 6 दिसंबर। फ्रेंड्स, ये चीज़ें किस तरह से लर्न करने में आपके लिए इजी बनाई जाएगी, अब वो देखिए। हम क्या करते हैं कि इन्हीं को 3-3 के पेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैं मानता हूँ जनवरी, फरवरी और मार्च एक 3 का पेयर बनेगा और उसका जो कोड होगा 144, और 144 आपको मालूम है क्या होता है, 12 का स्क्वेयर। सो आप कुछ इसी तरह से इन्हें याद कर सकते हैं। ये जो पेयर हुआ ये अपने आप में स्क्वेयर है 12 का। ओके, नेक्स्ट अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, 025, ये एक अगला 3 का पेयर आप बना सकते हैं कुछ इस तरह से। नेक्स्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, 036, इनका पेयर आप अलग से फॉर्म कर सकते हैं 3 का पेयर। देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 146, ये 3-3 के पेयर में आपको अब कोड्स अवेलेबल हो गए हैं। लेकिन अभी भी आपके लिए क्या याद करना आसान होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब क्या करेंगे, आप इन्हें लिख लीजिए यहाँ पर फॉर मेमोरी, जस्ट फॉर मेमोरी। ये 12 का स्क्वेयर है, ये 5 का स्क्वेयर है, ये 6 का स्क्वेयर है। देन अगर आपको ये तीनों याद हो जाएंगे ना, सो 144 अगर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है 144, यहाँ पर है 146, 144, और इसी के अंदर आपने 2 ऐड किया है, यानी कि 146 बन गया है। 144 प्लस 2 आप करेंगे, 146 आएगा। आप पहली और आखिरी ये तीनों पेयर आप याद कीजिए, 144 एंड 146, इन बिटवीन वाले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, 5 का स्क्वेयर एंड 6 का स्क्वेयर। ठीक है, बस आपको रखना है उनको 3 के पेयर में, यानी कि 3 वैल्यूज आपको लेनी होंगी। सो 5 का स्क्वेयर क्या होता है, 25 होता है, एक जीरो लगा देनी है। 6 का स्क्वेयर क्या होता है, 36 होता है, 36 होता है, आपको एक जीरो पहले लगा देनी है, वो 3 कंप्लीट बना देगा।
आशा करता हूँ कि ये आपको याद करने में बहुत ही इजी होंगे। एक बार करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, ये मंथ कोड हुए हमारे। आप लिखना चाहें लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, ये हुए हमारे कुछ मंथ्स कोड। अब उसकी बाद बारी आती है कि हमारे पास किस फॉर्म में, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन अवेलेबल होता है और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमें एक डेट गिवन होती है और उस डेट के अंदर हमें डे मिलता है, मंथ मिलता है एंड ईयर मिलता है। ओके, इसका मतलब अब मंथ की तो बात हो गई है यहाँ पर कि हमारे पास मंथ्स वाले जो कोड हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन अब बात आई डे एंड ईयर। सो इनके भी कोड्स देख लेते हैं साथ में। देखिएगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैंने कुछ डे कोड्स लिखे हैं, ये देखिएगा कुछ इस तरह से। डे कोड को हमने अरेंज किया है सैटरडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। अब देखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर सैटरडे के लिए 0, संडे के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। जस्ट आपको एक बात इतनी सी याद रखनी है कि सैटरडे से स्टार्ट करना है और फ्राइडे पर एंड करना है। 0 से स्टार्ट करना है, 6 पर एंड करना है। बिल्कुल डायरेक्ट सीक्वेंस की चीज़ है, आपको जरा सी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। ओके, देखिएगा, उसके बाद आते हैं हमारे पास सेंचुरी ईयर कोड्स। आप देख रहे होंगे कि राइट साइड में ये हमने सेंचुरी ईयर कोड्स लिखे हुए हैं। सेंचुरी ईयर कोड बोलने का मतलब दोस्तों, ये शताब्दी के लिए कोड बनाया गया है। ओके, अगर 1600 वाली शताब्दी चल रही है, यानी कि 1601, 1602, 1603, समथिंग लाइक दैट, सो उसके लिए हम कोड क्या यूज़ करेंगे? 6। 1700 के लिए 4। 800 के लिए 2। 1900 के लिए 0। 2000 के लिए 6। कहने का मतलब 1600, जो 1600वीं सेंचुरी होती है उसके लिए हम 6 यूज़ करेंगे, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0। अब देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या याद करना है, 0 प्लस 2 प्लस 2 एंड प्लस 2। ओके जी, एक बात ध्यान आई आपने क्या किया, एक बार फिर से सुन लीजिए। या तो ये कीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, या फिर 1900 पर 0 रखिए, 0 से प्लस 2 कीजिए 2 मिला, 2 से प्लस 2 कीजिए 4 मिला, 4 में प्लस 2 कीजिए 6 मिला। बस ये ध्यान रखना कि 0 कहाँ पर लगा रहे हो। ओके, उसके बाद देखिएगा कि 2000, ये देखिए 2000, 2100, 2200 एंड 2300, इनके लिए भी सेम कोड है, 4 6 4 2 0। यही ऊपर था, 6 4 2 0, 6 4 2 0। ओके, और हमें इतना ही मिलता है एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर आगे की सेंचुरी जाती हैं तो हम इन्हीं कोड्स को रिपीटेशन में रख देते हैं। ठीक है जी, आपके लिए इतना ही ज़रूरी है, सो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अब बात आती है आगे की कि हम इन कोड्स को कैसे अवेलेबल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया डेट हमें गिवन होती है डे मंथ एंड ईयर की फॉर्मेट में। सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो लिखने का फॉर्मेट हमारा ये होगा, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन करके बता दिया है। ओके, एक बार आपको डिक्टेट कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इनके बेस्ड और बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, डे हम पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो मंथ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वाला मंथ, इस मंथ का ऊपर हमें जो भी कोड है वो यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि मंथ कोड हम यहाँ पर पुट करेंगे। देन लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर गिवन ईयर, यानी कि जैसे यहाँ पर ईयर लिखा होगा, ईयर कुछ भी हो सकता है, 2002, ये जैसे कि आप अभी का ईयर मान लीजिए, 2018 लगा हुआ है, चल रहा है, 2018 यहाँ पर लिखा और लिखा होगा। सो लास्ट 2 डिजिट हमें लेनी है, यानी कि सिर्फ 18 हम लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 18 साल में, यानी कि अब शताब्दी हमारी कौन सी हुई, शताब्दी हुई 2000 वाली। ओके, क्योंकि 2018 चल रहा है तो इसके आगे आएगी वो, 2100 वाली तो आएगी नहीं। सो 2018 के लिए कोड क्या हो जाएगा, 6 वाला कोड हो जाएगा। लेकिन इस शताब्दी में 2018 तक
कितने लीप ईयर आ चुके हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे, नंबर ऑफ लीप ईयर्स। यानी कि हम क्या करेंगे, 18 साल बीत चुके हैं तो 18 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, हमें लाइक 4 मिलेगा। इसका मतलब 4 लीप ईयर ऑलरेडी जा चुके हैं, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देन सेंचुरी ईयर या कोड ईयर, मैंने जस्ट आपको बताया अभी कि जैसे 2018 चल रहा है तो 2000 प्लस चल रहा है कुछ, सो 2000 वाला हम यहाँ पर कोड पुट करेंगे। सभी को एडअप कर दिया जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ पर एक टोटल सम मिलेगा और इसी टोटल सम को हम डिवाइड करेंगे 7 से। ओके, 7 से डिवाइड करने पर हमें जो भी रिमाइंडर मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे टोटल सम है, टोटल सम को हमने डिवाइड किया 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर हमें यहाँ पर मिलेगा और रिमाइंडर्स की सभी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है, एरो से भी मैंने मार्क करके दिखाया हुआ है कि रिमाइंडर कुछ भी आए 0, 2, 6 कोई भी रिमाइंडर आपको मिलेगा, आप जो भी रिमाइंडर मिलेगा उसके सामने वाला डे जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। आप कुछ इस तरह से इसे मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये रिमाइंडर है और हमारा जो आंसर मिलेगा वो डेज की फॉर्म में मिलेगा, इसीलिए जो एरो है वो मैं डेज के तरफ लगा रहा हूँ, ठीक है जी। और हमारे जो पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे वो 0 to 6 ही होंगे क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 7 से छोटा ही रहेगा और 7 से छोटी 0 to 6 की वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। आइए इनके बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि किस तरह से हम ये वैल्यूज पुटअप करेंगे और किस तरह से अपना डे गेट कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, आप पसंद करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जैसे कि आपके सामने है कि डे है, मंथ है और ईयर। लाइक एक डेट हमारे हमें गिवन है, हम क्या मान लेते हैं, अब यहीं से शुरू करते हैं आपके सामने से। मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, हमें ये जो डेट गिवन है वो मैं मेंशन कर देता हूँ कि डेट किस तरह से गिवन है। 20th अभी के लिए लेते हैं, आज 20th हो जाएगी ना अभी जब मॉर्निंग में मैं वीडियो अपलोड करूँगा। सो देखिए 20th सेप्टेम्बर आप कह सकते हो या कह सकते हो 9th मंथ आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर, ये 9th कुछ इस तरह से। एंड ईयर जो है वो 2018 चल रहा है, ठीक है जी। अब जैसा ही आपने देखा, अब हम अप्लाई करते हैं कि कौन सा डे इस दिन हो सकता है और किस तरह हम वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए सबसे पहले मैंने आपको अभी अभी बताया यहाँ पर कि क्या लिखना है, डे लिखना है। डे कौन सा है आपके सामने, 20th है, हमने लिखा जी ये 20th। ओके, फर्स्ट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट वाली चीज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वन पे जाते हैं, नेक्स्ट पर हमारे पास आता है मंथ कोड। अब क्योंकि यहाँ पर जो 09 मंथ है और आपको पता है कि सितंबर ही चल रहा है, इसका मतलब सितंबर का जो भी कोड होगा वो हमें लगाना होगा। अब आप बोलेंगे कि क्या हम सारे रिपीट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि सितंबर 9वें नंबर पर आता है। ओके, और हमने 3-3 के पेयर बनाए हैं, 3-3 के पेयर बनाए हैं, 3, 3, 6 और 3, 9। यहाँ पर 12 का स्क्वायर था, यहाँ पर 5 का स्क्वायर था, यहाँ पे 6 का स्क्वायर था और इसी 6 के स्क्वायर में 0, 3, 6 हमने लिखा था और ये 9th नंबर है। इसका मतलब जो कोड होगा हमारा क्या होगा, 6। इसका मतलब मंथ कोड में क्या डाल सकता हूँ, 0, 6। ये बात हुई कंप्लीट। अब बात आती है थर्ड नंबर की, लास्ट 2 digit ऑफ गिवन ईयर। हमें डेट में जो गिवन ईयर मेंशन है यानी कि 2018 मेंशन है, इसकी लास्ट वाली 2 digit हम लेंगे यानी कि 18। ये 18 हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है, नंबर ऑफ लीप ईयर। अब 2018 तक हमें बताना है कि कितने लीप ईयर जा चुके हैं और आपको पता है कि एक लीप ईयर 4 साल बाद आता है, ठीक है। 4 साल में एक लीप ईयर काउंट होता है, इसका मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा भी है, लास्ट 2 digit को डिवाइड कर दीजिए 4 से। इसका मतलब मैं 18 को डिवाइड करूँगा 4 से। मैं यहाँ पर साइड में करके दिखा देता हूँ, जैसे ही मैं 18 को 4 से डिवाइड करूँगा, 4 चौक 16 पर जाएगा। ओके, इसका मतलब जो 4 है वो हमारे लीप ईयर्स ऑलरेडी आ चुके होंगे, ये लिखा जी मैंने यहाँ पर 4।
नेक्स्ट कोड देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब बात आती है सेंचुरी ईयर या सेंचुरी कोड की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 है चल रहा है और 2000 प्लस समथिंग है, सो यहाँ पर 2000 के लिए कौन सा कोड यूज़ किया गया है? 6। यहाँ से आप 6 उठा लीजिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये हुआ जी 6 भी पुट। अब देखिए हमारी सभी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। डे, मंथ कोड, लास्ट के 2 डिजिट, लीप ईयर, सेंचुरी कोड सभी हो चुका है। अब हमें क्या करना है? टोटल सम गेट करना है। टोटल सम गेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इन सभी वैल्यूज़ को एडअप कर देंगे। क्या कर देंगे? एडअप कर देंगे कुछ इसी तरीके से। चलिए इनका सम निकाल लेते हैं, क्या आएगा? ये मच्छर परेशान। चलिए देखिए 6 और 4 10 और 14, ये हमें मिला 24। 4 यहां पर, 2 ऊपर बोरो करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, ये आया हमारे पास इनका टोटल सम। ठीक है जी। अब हमारा स्टेप क्या था कि जो हमारा टोटल सम हमें मिलेगा उसको हम डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। ये देख लीजिए एक बार फिर से, मैंने लिखा है यहाँ पर कि जो भी हमारा टोटल सम होगा उसको डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर हम देखेंगे क्या आएगा। चलिए जैसे ही हम यहाँ पर 54 को डिवाइड करते हैं लाइक 7 से, आप देखिए कहाँ पर जाएगा? 77 49 सेवनजा पर चला जाएगा, लेकिन हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू 5। ओके, अब आप देखिए हमने आपको बताया कि 5 हमारा रिमाइंडर बच चुका है और यहीं से हमें आंसर गेट होगा। सैटरडे से स्टार्ट किया था 0 एंड लास्ट में फ्राइडे तक गए थे लास्ट में 6। ओके, 6 से पहले ही 5 आया होगा, सो फ्राइडे से पहले कौन सा डे पड़ता है? फ्राइडे से पहले कौन सा डे पड़ता है जो कि 5 देकर जाएगा आपको? थर्सडे। इसका मतलब जो हमारे डेट गिवन है यानी कि 20 सितंबर 2018 कौन सा डे होगा? थर्सडे। ठीक है जी, ये जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा? वीरवार का दिन। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत इजीली और बहुत तरीके से बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर करते हुए समझाया है 10-15 मिनट लगा के। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सभी चीज़ें मैंने बहुत क्लियर की हैं आपको, चाहे मंथ कोड हो, चाहे डेज कोड हो, या सेंचुरी कोड हो, या फिर एक डेट को किस तरह से हम ब्रेक करके अपना टोटल सम गेट कर सकते हैं वो वाली चीज़, और फाइनली टोटल सम से हम रिमाइंडर पर पहुंचेंगे, देन रिमाइंडर से हम डायरेक्ट डे पर पहुंचेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आज का दिन यानी कि 20 सितंबर 2018 जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस दिन वीरवार ही है। ठीक है, अब आपको ये कन्फर्म हो गया होगा कि हाँ हम ये डेज फाइंड कर सकते हैं। देखिए इससे क्या हुआ, आज ही की डेट लेने से क्या हुआ, आपको डेज भी कन्फर्म हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं कोई भी तुक्का लगा दिया गया है ना। सो ये आप कुछ इसी तरह से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर थोड़ा सा जल्दी करने की ट्राई करते हैं कि किस तरह से किया जाएगा। अगर आपको मान लीजिए डेट क्या दी हुई हो, ये देखिए मैं अपनी तरफ से कोई भी डेट ले रहा हूँ। चलिए मैं इस बार क्या करता हूँ, मैं अपना बर्थडे डेट ले लेता हूँ, अपना बर्थडे डेट ले लेता हूँ 30 दिसंबर 2018। ओके, इट्स माय बर्थडे डेट, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि देखिए मुझे नहीं पता है कि मेरे बर्थडे पर कौन सा डे होगा, इससे मुझे पता भी चल जाएगा और मैं क्रॉस चेक भी कर पाऊँगा, है ना। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ थी, देखिए आप को ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सब चीज़ें कैसे याद रखें, ये सब चीज़ें किस तरह से याद रखें, बिल्कुल भी नहीं। सभी चीज़ें तो यहीं से उठाई गई हैं। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट नंबर पर हमें यही चीज़ लेनी है 30th। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमें देखना है कि कौन सा मंथ है
ये भैया दिसंबर है, हमें पता है। अब दिसंबर की जब बात आती है तो लास्ट वाली पेयर देखा जाता है तीन का, और 1, 4, 6 यहाँ पर था, तो यहाँ पर 6 जो है वो दिसंबर के लिए है। हमने लिखा 6, ओके 06 हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाले दो लास्ट के 2 डिजिट्स उठानी है, ये उठाई यहाँ पर पुट कर दी। ओके अब हमें क्या करना है, इन्हीं को 4 से डिवाइड कर देना है क्योंकि हमें लीप ईयर गेट करना है। इन्हीं 18 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, जैसा कि पीछे किया था, हमें मिला था 4। ओके देन हमें क्या देखना है कि 2018 है और 2000 के लिए कौन सा ईयर को सेंचुरी कोड है, 6, और इन्हीं को हमें एडअप कर देना है। सिर्फ यही तो चीज़ था, सिर्फ देखिएगा अगर मैं इन्हें एडअप करता हूँ, ये किया हमने एडअप, देखिए कंप्लीट डेज देख लेते हैं, आपको यहां से पता चल जाएगा। अब ये जो 30 उठाया हमने कहां से उठाया, ये 30, ये जो दिसंबर का कोड था ये कहां से उठाया, यहां से। 18 कहां से पुट किया, यहां से डायरेक्ट पुट कर दिया। तो देखिए ना, ये 3-4 स्टेप तो डायरेक्ट आपकी डेट से ही हैं, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अलग से, कि आपको अलग से याद करने की जरूरत पड़े इन चीजों को, ठीक है। फर्स्ट जो चीज़ थी वो आपकी डेट थी, सेकंड आप यहाँ पर सेकंड है सो यहाँ पर उसका कोड है, ये ईयर है इसकी लास्ट की डिजिट है, ये फोर्थ नंबर पर इन्हीं को 4 से डिवाइड किया गया है, और ये जो कोड है ये इसी का 2000 का सेंचुरी कोड है, ठीक है जी। आपको बिल्कुल भी पजल होने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से याद रखे, याद करने का तरीका मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। अब एडअप कर लेते हैं, 6, 4, 8, 6, 24 था, ये आया 2, 3 और 1 4 और 2 6, टोटल सम हमारा बना, टोटल सम क्या मिला हमें, 64। अब इसी टोटल सम को हमें डिवाइड करना है 7 से, लाइक 64 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 7 9 63 पर जाएगा, हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा 1। अब हमें पता है कि हमने सैटरडे से स्टार्ट किया था, सैटरडे से स्टार्ट किया था जो कि 0 था, और 0 के बाद ही 1 आता है, सो 1 किसके लिए आएगा, संडे के लिए। इसका मतलब 30 दिसंबर 2018 को संडे हमें मिल रहा है, और यही हमारा आंसर होगा। मैं कह सकता हूँ कि मेरे बर्थडे वाले दिन संडे होने वाला है, ठीक है। इसे मैं बाद में क्रॉस चेक कर लूँगा ये सही है या गलत, आई होप कि ये बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ईयर चेंज करके, हो सकता है आपका डाउट कन्फर्म हो जाए, या चलिए मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए देता हूँ। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि किस डेट के लिए आपको फाइंड करना है, डेट मैं मेंशन कर देता हूँ। देखिए 30 दिसंबर के लिए मैंने किया, 2018 के लिए मैं अब करता हूँ फर्स्ट 1 जनवरी 2019, ये डेट आपके सामने है, ओके ये डेट आपके सामने है, और ये आपके लिए है क्वेश्चन फॉर यू, ये आपको करना है। इससे आप अच्छे से क्रॉस चेक भी कर पाएंगे, और कुछ इस तरह से कर पाएंगे कि आपको पता है कि 2 दिन पहले तो क्या था, यह संडे था, ठीक है, और 2 दिन पहले संडे था तो 2 दिन बाद क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देखिए ना, 30 तारीख को क्या था, संडे था, 31 को मंडे, एंड ये आया फर्स्ट, यहाँ पर क्या आना चाहिए, ट्यूसडे। आप इससे क्रॉस चेक कर पाएंगे, और करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले ये डेट आपको लिखेंगे 01, देन 01 का यानी कि जनवरी का जो मंथ कोड है वो आप नीचे लिखेंगे, उसके बाद 19 जो है लास्ट के 2 डिजिट वो नीचे लिखेंगे, उसके बाद 19 को ही आप 4 से डिवाइड कर देंगे, ओके वो आप लिखेंगे, देन उसका सेंचुरी कोड हम लिखेंगे जो कि 6 ही रहेगा, ओके उनको सभी को एडअप कीजिए, एडअप करने के बाद 7 से डिवाइड कीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर के सामने वाला डे जो भी होगा वही आपका आंसर होगा, और होपफुली वही आपको ट्यूसडे मिलना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट भी होगा। अब सेकंड कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या कहता है। सेकंड कंसेप्ट बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है, सब कुछ आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेंशनड है, सिर्फ और सिर्फ आपको
एक पॉइंट याद रखना है, सिर्फ एक पॉइंट, और आपका आंसर विद इन टू सेकंड्स भी क्या मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। देखिएगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन आपके सामने पुट हो सकता है, सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी फ्रेम की हुई हैं आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको वो चीज़ समझनी है और अप्लाई करनी है। ओके सबसे पहले आपके सामने है सेम ईयर कैलेंडर फॉर फॉरवर्डिंग ईयर। सेम ईयर कैलेंडर का मतलब क्या होता है समझिए, अभी 2018 चल रहा है, ठीक है जी, यानी कि अब अगर मैं फॉरवर्डिंग ईयर यानी कि आगे आने वाले साल में देखना चाहूं कि जो कैलेंडर 2018 का है वही कैलेंडर अगले आने वाले कौन से साल का होगा, कौन से ईयर का होगा, वो किस तरह मैं फाइंड कर सकता हूं, वही सभी चीजें यहां पर बताई जाएंगी। एक कंसेप्ट फॉरवर्डिंग ईयर के लिए है, सेकंड कंसेप्ट बैकवर्डिंग ईयर के लिए है कि 2018 अब चल रहा है, सेम ईयर कैलेंडर बैकवर्ड यानी कि बीते हुए सालों में कौन से ईयर का रहा होगा जो 2018 का अभी चल रहा है। चलिए आशा करता हूं कि आपको समझ आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, और प्रीवियस जो कंसेप्ट मैंने आपको कराया अभी अभी कंसेप्ट वन, वो भी आपके समझ आ गया होगा। देखिएगा सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये ईयर्स मेंशन है, और ये ईयर्स सिर्फ इसीलिए लिए गए हैं क्योंकि हाल फिलहाल करंट में यही चल रहे हैं। आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, आप समझ पाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए लेट वी हैव ईयर एज 2016, 17, 18, 19 एंड 20, कि हमारे पास 2016, 17, 18, 19, 20 ये हमारे पास ईयर्स हैं, और इन्हीं ईयर्स के बीच आपको घुमाएंगे और इन्हीं ईयर्स से आपको हम पूरा कंसेप्ट समझाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सबसे पहली बात क्या आती है इन्हीं सालों के लिए बात की जाए तो, ठीक है, गाली नहीं दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ। देखिए विच ईयर कैलेंडर विल बी सेम एज 2017, अगर हमारे पास क्वेश्चन फ्रेम होता है कि आगे आने वाले वर्षों में कौन से साल का कैलेंडर 2017 के कैलेंडर जैसा होगा, तो हम किस तरह से आंसर कर सकते हैं यहां से देखकर, ठीक है। सिर्फ हमें नजर यहां पर दौड़ानी है या फिर जस्ट अपने माइंड में इमेजिनेशन करना है और आपको आंसर क्लिक कर देना है विद इन 2 सेकेंड्स। देखिएगा किस तरह से, सबसे पहले ये देखिएगा इसका स्टेप वन क्या है। स्टेप वन है चेक फर्स्ट ईयर बैक, यानी कि एक साल पहले पीछे देखो, ठीक है जी। यानी कि हमने बात कैसे की, 2017 की बात की, तो हम कहते हैं कि 2017 से एक साल पीछे जाके देखो जरा, इफ इट इज अ लीप ईयर, अगर पीछे वाला साल लीप ईयर है तो हम क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो देख लीजिए। मैंने यहां पर आपको बनाकर भी दिखाया है कि जब 2017 के लिए हमें निकालना है, हम एक साल पीछे जाकर देखते हैं कि क्या है, कौन सा साल है, क्या 2017 से पीछे वाला जो साल है वो एक लीप ईयर है। जी हाँ, हमने देखा 2017 से पीछे 2016 आया था जो कि एक लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर यानी कि जिसमें 29 फरवरी इंक्लूड होती है, और 2000 और ये कैसे पता चलता है, ये जो 16 है ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। चलिए ये कंप्लीट हमारा लीप ईयर है, अगर ये लीप ईयर है तो 2017 के बाद आने वाला कौन सा साल ऐसा होगा जिसका कैलेंडर सेम होगा बिल्कुल 2017 के कैलेंडर से, हम क्या करेंगे, आंसर आपके सामने है, ऐड कर दिया जाएगा 6। ओके अब जैसे ही हमने ऐड किया स्टेप टू में 2017 जमा 6, हमें पता चला कि जैसे ही हम 2017 से 6 ईयर प्लस में जाएंगे हमें अपना आंसर मिल जाएगा। कहने का मतलब 2017 के बाद 2023 वो साल होगा जिसमें कैलेंडर बिल्कुल दोनों का सेम होगा, यानी कि 2017 का और 2013 का दोनों साल का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा, मैंने नीचे लिखा भी है 2017 एंड 2023 का कैलेंडर सेम होगा, ठीक है। बस यही आपको देखना है, बहुत ही आसान है, सिर्फ एक स्टेप है कि अगर आपको 2017 का बताना है कि 2017 के बाद आने वाले कौन से साल का कैलेंडर 2017 के कैलेंडर से मैच करेगा,
आप 2017 से एक साल पीछे देखिए, अगर वो लीप ईयर है तो 6 ऐड कर दीजिए 2017 में, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कि अगर वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आप लोगों के सामने है दोस्तों, और सेकंड पॉइंट में यही बोला गया है कि अगर पिछला साल लीप ईयर ना हो तो। अब देखिए, क्वेश्चन में हमें बाय डिफॉल्ट ये बोल दिया गया कि हमें 2017 का पता करना है, और जैसे ही हम 2017 से पीछे मुड़कर देखते हैं हमें 2016 दिखाई देता है, और क्योंकि 2016 हमारा लीप ईयर था, हम क्या करते हैं कि 2017 में 6 ऐड कर देते हैं, और यानी कि 2023 हमें मिलता है, और हम कह देते हैं कि 2017 और 2023 का जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। लेकिन अगर हमें बोल दिया जाए कि 2018 का कैलेंडर कौन से आगे आने वाले कौन से साल के कैलेंडर से मैच करेगा, यानी कि जैसा मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, विच ईयर कैलेंडर विल बी सेम एज कैलेंडर ऑफ 2018, ठीक है, अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन हो तो हम एक बार पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यार यहाँ तो 2017 आ गया पीछे, ठीक है, इसका मतलब 2017 तो भैया लीप ईयर नहीं है, ठीक है, 2017 लीप ईयर नहीं है। तो अब हम क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे अपना आंसर गेट करने के लिए। आप देख चुके होंगे, अगर पिछला साल लीप ईयर ना हो तो हम +11 कर देंगे। कुछ इसी तरह से देखिए, 2018 के बाद का एक ऐसा साल हमें बताना था जो कि 2018 के कैलेंडर से मैच करता हो। 2018 से हमने पीछे मुड़ के देखा, हमें दिखाई दिया 2017, और जैसे ही हमने 2017 देखा हमें पता चला कि 2017 इज नॉट अ लीप ईयर। अगर यहाँ पर ये लीप ईयर नहीं है, हम क्या करेंगे अपना आंसर गेट करने के लिए, 2018 में 11 ऐड कर देंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा 2029, और हम कह सकते हैं कि 2018 और 2029 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। ओके, एक बात ये रही है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपके सामने बिल्कुल आंसर बनते चले जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है आगे कि अगर हमें कोई लीप ईयर ही दे दिया जाए कि लीप ईयर है उसका सेम कैलेंडर कौन से साल का होगा, तो किस तरह से करेंगे ये देखिए। हमने यहाँ पर लिखा है, मेंशन किया है आपको पॉइंट 3, अगर साल स्वतः लीप ईयर हो तो। कहने का मतलब, अगर जिस साल का हमें पता करना है वो साल खुद में ही लीप ईयर हो तो हम किस तरह से पता करेंगे, आप देख चुके होंगे, +28 करेंगे, ठीक है जी। जो भी साल हमें दिया हो, लाइक मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, विच ईयर कैलेंडर विल बी सेम एज कैलेंडर ऑफ 2016 एंड 2020, कौन से साल का कैलेंडर कौन से आने वाले साल का कैलेंडर 2016 और 2020 के कैलेंडर से हूबहू मैच करेगा, ठीक है, यही हमें बताना है। तो हमें क्या कर देखा, हमने देखा, हमें पता चला कि 2016 और 2020 तो अपने आप में ही लीप ईयर है, 2016 और 2020 लीप ईयर इटसेल्फ। जैसे ही हमें पता चला कि ये अपने आप में लीप ईयर है, हम डायरेक्ट एक अप्रोच करेंगे कि इनमें 28 ऐड कर देंगे। अगर मैं कहूं कि 2016 में 28 मैंने ऐड किया और हमें आंसर क्या मिला, 2044, इसका मतलब 2016 का और 2044 का कैलेंडर एक दूसरे से बिल्कुल मैच करेगा, ठीक है, इन दोनों का सेम कैलेंडर होगा। देन हम बात करें, 2020 में हमने 28 ऐड किया, हमें मिला 2048, इसका मतलब 2020 और 2048 का कैलेंडर आपस में बिल्कुल मैच करेगा, बिल्कुल सेम कैलेंडर होगा। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको एकदम समझ आ गई होगी, इसको आप याद कर लीजिए, आप याद करना कहिए या रटना कहिए, कुछ भी कहिए अपनी भाषा में, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अब बैकवर्ड वाले कंसेप्ट भी देख लेते हैं, ये तो फॉरवर्डिंग ईयर का था कि आगे आने वाले साल, 2016 के बाद ही तो 2044 आएगा, 2020 के बाद ही 2048 आएगा, ऊपर हमने किया 2018 के बाद ही तो 2029 आएगा, है ना, हमने फॉरवर्डिंग ईयर्स का देखा। अब बैकवर्डिंग ईयर्स का देख लेते हैं फ्रेंड्स। बैकवर्ड ईयर की जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम है फॉरवर्डिंग ईयर से, बस छोटा सा एक डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, और उसी के बेस्ड ही आपका आंसर मिलेगा। देखिएगा, लेट वी हैव ईयर्स एज 2016
टू 2020 सेम ईयर्स मैंने लिए हैं, मेंशन किए हैं। बैकवर्डिंग ईयर्स का मतलब बीते गए वर्ष, बीते हुए वर्ष में कौन सा कैलेंडर सेम रहा होगा वही हमें बताना है। आप समझ पाए होंगे, देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, विच ईयर कैलेंडर विल बी सेम एज कैलेंडर ऑफ 2017। हमें बताना है, यहाँ पर विल बी नहीं आएगा, ठीक है, ये कैंसिल कर लीजिएगा क्योंकि हमें पास्ट की बात करनी है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन से साल का कैलेंडर बीते हुए सालों में 2017 के बिल्कुल सेम रहा होगा। ठीक है जी, पीछे वर्ष की बात की जा रही है। सो हम क्या करेंगे, देखिएगा हम सबसे पहले चेक करेंगे, चेक नेक्स्ट वन ईयर, एक अगला वर्ष चेक करेंगे। अभी जब हम पीछे कर रहे थे, जब हमें फॉरवर्डिंग ईयर पता करना था, तो हमने क्या किया था, 2017 से पीछे मुड़कर हमने देखा था और पाया था कि 2016 जो है वो एक लीप ईयर है। अगर लीप ईयर था तो हमने क्या किया, प्लस 6 ऐड कर दिया था और हमें फॉरवर्डिंग ईयर मिल गया था। ओके, और जब लीप ईयर नहीं था तो हमने क्या किया था, प्लस 11 कर दिया था और अपना आंसर हमें मिल गया था। यहां पर क्या करेंगे, देखिए चेक नेक्स्ट वन ईयर, अगला एक वर्ष चेक कीजिए, इफ इट इज नॉट अ लीप ईयर माइनस 11 करेंगे। अब जैसे कि हमें 2017 का पता करना है, 2017 से ऊपर हमने एक बार गर्दन निकाल के देखा, भाई 2018 खड़ा है। जैसे ही हमें देखा 2018 है ये तो, और वो एक लीप ईयर नहीं है। अगर वो लीप ईयर नहीं है अपने आप में, हम क्या करेंगे आंसर पाने के लिए, माइनस 11 कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस 11। वहां पर क्या हो रहा था, अगर लीप ईयर नहीं था तो प्लस 11 करना था फॉरवर्डिंग के लिए, यहां पर बैकवर्डिंग के लिए माइनस 11 कर देंगे। सो आप कह सकते हो कि जैसे ही हमने देखा 2017 से आगे मुंडे निकाल के 2018 खड़ा हुआ है जो कि नॉट अ लीप ईयर, हमने अपना क्या किया, 2017 में से माइनस कर दिया 11 को, आंसर मिल गया 2006। और यही हमारा आंसर होगा, इसका मतलब 2017 का और 2006 का कैलेंडर सेम रहा होगा। ठीक है जी, अब देख लेते हैं कि अगर अगला वर्ष लीप ईयर होगा तो, इफ नेक्स्ट ईयर, जैसे ही हम 2017 से आगे मान लीजिए मुंडे निकाल के देखते हैं और हमें लीप ईयर खड़ा मिल जाए तो, लेकिन वो 2017 के केस में तो नहीं हो सकता। आगे देख लेते हैं कैसे हो सकता है, देखिएगा अगर हमें वर्ष दे दिया गया हो 2019 और हमें बताना हो कि बीते हुए वर्षों में ऐसा कौन सा साल रहा होगा जिसका कैलेंडर 2019 के कैलेंडर से हूबहू मैच करता होगा, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2019 से आगे मुंडे निकाल के देखा हमने, अरे भैया 2020 खड़ा है, और जैसे ही देखा 2020, अरे भाई ये तो लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है सो हम क्या कर देंगे, माइनस 6। फॉरवर्डिंग के लिए क्या कर रहे थे, प्लस 6। जब हमें आगे के साल का बताना था और पीछे वाला साल लीप ईयर था, 2017 के केस में हुआ था ना कि 2017 का हमें बताना है फॉरवर्डिंग ईयर में कौन सा कैलेंडर मैच करेगा, हमने 2017 से पीछे मुड़कर देखा 2016 था, लीप ईयर था, आंसर गेट करने के लिए प्लस 6 हमने कर दिया, 2023 हमारा आंसर आ गया था। यहां पर क्या था, 2019 से हमने आगे की तरफ देखा, जब हमें बैकवर्ड निकालना है तो आगे की तरफ देखा, लीप ईयर हमें मिला, लीप ईयर देखते ही हमने क्या किया, माइनस 6 कर दिया। 2019 में से माइनस 6 करेंगे, 2013 हमें मिलेगा। यहां से हम कह सकते हैं 2019 का और 2013 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें, दोनों ही कंसेप्ट बहुत आसानी और बहुत प्यार से समझ आ गए होंगे। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पुट किए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी आ सकते हैं। सो अभी एक करंट अफेयर्स की वीडियो और प्रिपेयर करूँगा साथ साथ, होपफुली आपको दोनों ही वीडियो कल ही मिल जाएंगी, यानी कि मॉर्निंग टाइम में मिल जाएंगी। चलता हूँ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, डू व्हाट यू वांट टू डू and try to be whatever you want to be, my lovely friends. Thank you very much. All the very best. Bye-bye. Take care.